शाहरुख खान से बढ़िया इस वक्त कोई हीरो नहीं है। फिल्म का नाम जवान है तो उसको सुपर हिट होना है। शाहरुख खान तो सुपर स्टार ही है भाई, बादशाह है। लेकिन अब जो मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उनका नाम शाहरुख खान है, वो एक मुसलमान एक्टर है तो करता रहे। मुखालफत इस बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, चूँकि डायलॉग आ गया है, कोई भी बाप हो अगर वो जिंदा है तो कहेगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मुकाबला करना होगा। वो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि अगर बेटे की तरफ कोई आंख दिखाए तो बाप को आगे आना चाहिए, बाप को सहारा बनना चाहिए, बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को खराब करने की, कमलाइज करने की वो तमाम मुहिम फेल हो गई। क्योंकि जब देखा कि भाई कुछ होने वाला नहीं, शाहरुख खान तो सुपर स्टार ही है भाई, बादशाह है, लेकिन तो लोग सब उसके पीछे चलने लगे। लोग वो सब जो खिलाफ बोलती थी उधर उधर, वो सब कह रहे भाई वाह वाह ये रिकॉर्ड तोड़ रहे। देखिए पठान जवान और सलमान, मुसलमान और हिंदुस्तान, ये सब रिकॉर्ड तोड़। हमारी फिल्म इंडस्ट्री चले और एक के बाद एक जवान है, जवान के बाद अब सलमान खान अपनी फिल्म लाए वो आगे जाए, फिर आमिर खान लाए वो आगे जाए, तो खाने खान को जाए, दूसरा क्यों ना जाए। अब भाई अभी तीन ही खान चल रहे हैं तो जो चल रहा है उसी के चलाओ भाई। अभी बिला वजह का अभी जो है मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट कि डूब जाए पैसा और नुकसान में। तो अभी जो चल रहा है, जब एक बार चल जाएगा तो पीछे पीछे बहुत सारी और फिल्में चल जाएगी। जब एक बार फिर आदत पड़ जाएगी सिनेमा घरों में जाने की, क्योंकि पहले तो सिनेमा घर ही छोड़ दिया था ना। अमिताभ साहब, जवान फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ उसने एडवांस बुकिंग के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बायकॉट लगने में लगे हुए हैं करने के लिए शाहरुख खान की फिल्म का। देखिए शाहरुख खान का नाम बिकता है, शाहरुख खान का काम बिकता है और वो फिल्मी दुनिया के बादशाह हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तबाह हो रही थी कोरोना के बाद, बिल्कुल कोई जो है वो ताकि सिनेमा घर नहीं जा रहा था, लेकिन पठान मूवी ने लोगों को एक बार फिर, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई है। और अब जवान ने रिकॉर्ड तोड़े और उनके पीछे और भी बहुत सारी फिल्में चल रही हैं। तो अब जिन लोगों को मुखालफत करनी है, जिन लोगों को बायकॉट करना है, अब क्यों बायकॉट करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है भाई। अब तो पठान है नहीं, अब तो जवान है। जय जवान जय किसान और जवानों की बात हिंदुस्तान में बहुत हो रही और 65% हिंदुस्तान में जवान है। तो अगर 65% हिंदुस्तान में जवान है और फिल्म का नाम जवान है तो उसको सुपर हिट होना है। अब जो मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि चूंकि उनका नाम शाहरुख खान है, वो एक मुसलमान एक्टर है तो करता रहे। मुखालफत इसलिए किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े को इसने घसीटा किया है, फिल्मों के जरिए कहा है, डायलॉग है फिल्म में कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो ऐसा है, पहली बात तो ये कि फिल्म जो है वो फिक्शन होता है। फैक्ट और फिक्शन झगड़ा इसीलिए बहुत सारा हो गया देखिए, कि जो चीज़ फिक्शन है उसको आप फैक्ट की तरीके से मत देखिए। लेकिन अब चूंकि डायलॉग आ गया है तो कोई भी बाप हो अगर वो जिंदा है दोनों एतबार से, यानी जहनी एतबार से, दिल के एतबार से, तो कहेगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मुकाबला करना होगा। शाहरुख खान इतना डर गए कि फिल्मों के जरिए जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, फिल्मों के जरिए जवाब नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि अगर बेटे की तरफ कोई आंख दिखाए तो बाप को आगे आना चाहिए, बाप को सहारा बनना चाहिए, बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये लोगों को बता रहे हैं, जिस तरह पठान फिल्म में तमाम धमकियां तक दी गई थी, चैलेंज किए गए थे बहुत सारे, चने बिकवा देंगे। अरे भाई कुछ नहीं होता, कहाँ फिल्म पहुंच गई आप देखिए ना, कितनी कमाई हो गई और उसके सारे दूसरी फिल्में भी चल गई। गदर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहरुख खान तो चाहते होंगे कि और भी कर लें और प्रोटेस्ट लोग करें और उस पर जो है डिबेट हो, बहस हो, तो चाहते होंगे करें ना, उससे क्या फर्क पड़ा आप बताइए। लेकिन मुमताज साहब एक बात है, जब फिल्म आती है जैसे कश्मीर फाइल आई और 72 हुरे आई, तो जो जो कट्टरवादी लोग हैं वो तो भड़क जाते हैं मुसलमानों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर शाहरुख खान की फिल्म आती है तो बॉयकॉट करने लगते हैं, तो उस पे तो सपोर्ट है, इस पे बॉयकॉट है, ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है? मतलब देखिए ऐसा है कि सपोर्ट और विरोध, विरोध ठीक है, बॉयकॉट ये कुछ भी करें उससे अल्टीमेटली फायदा फिल्मों का ही होगा। हमारी तरफ भी अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जैसे कश्मीर फाइल्स आई ठीक है, तो कुछ लोग उसको या 72 हुए बगैर समझे जो है उसकी मुखालफत ठीक है, तो क्या है कि आप कोई सपोर्ट करे, कोई मुखालफत करे, विरोध करे, उससे कुछ नहीं सिवाय नुकसान के कुछ और होने वाला नहीं है। इसीलिए आप देखिए जवान पे चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं और विरोध कर भी नहीं सकते।
लेकिन अभी आपने कहा कि ये पठान नहीं है तो जवान है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिल्म में तो शाहरुख खान है ना, मसला तो शाहरुख खान का। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसलिए विरोध हो रहा है कि शाहरुख खान नाम है तो देखिए कुछ इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश के खिलाफ बोलते हैं, शाहरुख खान को एक हीरो के तौर पर देखते हैं और शाहरुख खान से बढ़िया इस वक्त कोई हीरो नहीं है। इसलिए ये जो फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश थी ना, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की, फिल्म इंडस्ट्री को खराब करने की, कम्युनलाइज करने की, वो तमाम मुहिम फेल हो गई। और माफ कीजिएगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोग बहक गए थे, ठीक है, उन्होंने समझा था कि यहाँ भी कुछ ऐसा कर दो तो उससे फायदा, वो भी जब देखा कि भाई कुछ होने वाला नहीं, शाहरुख खान तो सुपर स्टार ही है भाई, बादशाह है, लेकिन तो लोग सब उनके पीछे चलने लगे, लेकिन लोग सनी देओल को सुपर स्टार बता रहे हैं। और कौन कौन वो सब जो है, वो सब जो खिलाफ बोलती थी उधर उधर, वो सब कह रहे भाई वाह वाह, तो सब करेंगे वाह वाह, लेकिन लोग सनी देओल को बड़ा स्टार मानते हैं, शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार। ऐसा है, पाकिस्तान कांपता है उनसे। देखिए ऐसा है, ये सब आपको पता है कि पाकिस्तान कांपता है, नहीं का मैंने कहा ना कि फैक्ट और फिक्शन। हंसी क्यों आई आपको? नहीं, हंसी इसलिए आई कि पाकिस्तान कांपता है, भी एक और चला था कि साहब कुछ लोग अपना अपना हैंड पंप घर में रख लिए उखाड़ के, कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं अब इस फिल्म में सिर्फ उस पे खड़े रहे उन्होंने उखाड़ा नहीं। तो इस तरीके की बातें देखिए नहीं करनी चाहिए। और सनी देओल भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सनी देओल भी मानते हैं कि जो इस वक्त बादशाह है फिल्मी दुनिया में वो शाहरुख खान है, और ये सब मानते हैं। इसलिए मैं आपस में दोनों को इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन देश की सबसे बड़ी फिल्म जो बन गई थी पठान, उसके रिकॉर्ड तोड़ने लगी थी गदर 2, अब फिर से जवान जो है एडवांस बुकिंग में नंबर 1 हो गई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो ये देखता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ पे हमारे लाखों लाख लोग रोजगार से जुड़े हुए थे। आपको पता है बेरोजगार हो गए थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग तो खुदकुशी करने पर आमादा हो गए थे, बहुत काम नहीं मिल रहा था उनके पास। तो बहुत सारे ऐसे हैं प्रोड्यूसर जो हैं वो कर्ज लिए हुए हैं, वो कर्ज की वजह से, अभी भी देखिए एक साहब ने खुदकुशी कर लिया था, उनके पास कितना था। तो मुझे लग रहा है कि जैसे भी हो हमारी फिल्म इंडस्ट्री चले, और एक के बाद एक जवान है, जवान के बाद अब सलमान खान अपनी फिल्म लाए वो आगे जाए, फिर आमिर खान लाए वो आगे जाए, तो खान ही खान क्यों जाए, कोई दूसरा क्यों ना जाए? अब भाई अभी तीन ही खान चल रहे हैं, तो जो चल रहा है उसी के चलाओ भाई। अभी बिला वजह का अभी जो है मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट कि डूब जाए पैसा और नुकसान में। तो अभी जो चल रहा है, जब एक बार चल जाएगा तो पीछे पीछे बहुत सारी और फिल्में चल जाएंगी। जब एक बार फिर आदत पड़ जाएगी सिनेमा घरों में जाने की, क्योंकि पहले तो सिनेमा घर ही छोड़ दिया था ना कोरोना की वजह से, सब जो है वो देखने लगे थे क्या वो जो सीरीज OTT और पता नहीं क्या क्या जो है, तो सब सीरीज देखने में लग गए थे। फिल्म कौन देखता था भाई? भवानी पुतोर। खान ही आगे क्यों बढ़े? देशभक्त अदाकार। देशभक्त अदाकार अक्षय कुमार आगे क्यों ना बढ़े? सनी देओल आगे क्यों ना बढ़े? देखिए ऐसा है कि इसमें देशभक्ति कहाँ से आ गई भाई? लोग जाते हैं 3 घंटा एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, जो उनके ऊपर बवाल रहता है, एक हफ्ता काम करता है आदमी, तो सोचता है सैटरडे संडे 2 दिन मिला है भाई जा करके दरा से माहौल अपना। अब वहाँ में कहाँ घुस गए देशभक्ति? अरे भाई देशभक्ति के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन उसके लिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और बहुत सारे त्योहार हैं, फिल्मों में कहाँ से सब आ गया। लेकिन मुमताज साहब आपने कहा कि एंटरटेनमेंट के लिए 3 घंटे के लिए लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में आई कि लोग नफरत कर, मतलब जब निकले हॉल से तो मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हुई, ऐसी फिल्में बनाई गई। नहीं इसीलिए, लेकिन उसने कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा ना, ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देखिए पठान, जवान, और सलमान, शाहरुख, मुसलमान और हिंदुस्तान, ये सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चलिए।